guys, welcome again. So today we are going to discuss about diversity or biodiversity. Yeah, what is actually diversity? Diversity means the number of different types of organisms present in Earth. There are millions of species which have been known and described till now, right? So we have a figure of about 1.7 and 1.8 million species. So biodiversity, or more specifically biological diversity, refers to ki jab hum different types of organisms ko dekh rahe hain, because obviously we have insects, we have plants, we have animals, we have a whole lot of organisms living in our biosphere. So first of all, when we talk about biodiversity, there has to be a specific and standardized names associated with each and every organism, right? Like जो बंदा इंडिया में है और कोई अगर अमेरिका में, तो सेम कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर स्पीशीज. रोजा इंडिका, इफ इन इंडिया मीन्स रोज, देन इन अमेरिका, इंग्लैंड और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड बी नोन एज रोजा इंडिका, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर. सो व्हाट इज नोमेनक्लेचर? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग. जस्ट हमने किसी ऑर्गेनिज्म को अगर डिस्कवर किया तो अब हम उसे नेम करना है, ठीक है? अब नेमिंग जो है वो सबसे पहले, जो सबसे सूटेबल नेमिंग आई और जो आज तक चलती आ रही है, वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस या लीनियस, एनीथिंग यू कैन से. सो कैरोलस लीनियस, इन्होंने सबसे पहले नोमेनक्लेचर दिया व्हिच वाज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का एक मेथड दिया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. बायनोमियल मींस अ नेम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बायनोमियल. So, binomial nomenclature में उन्होंने बोला कि a specific name has two components. First, generic name means genus, and second is specific epithet or species name. ठीक है? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले Carolus Linnaeus ने दिया binomial nomenclature, a method of just naming. ठीक है? इसके कुछ चार specific points थे जिससे हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि व्हाट इज एक्चुअली बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हम कैसे करें, कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें. ठीक है? हर चीज का एक स्टैंडर्ड वे होता है करने का. तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि इट इज जनरली इन लैटिन, सो इट्स ओरिजिन इज लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. सो वो होता लैटिन में, मींस लैंग्वेज लैटिन है, बट हम उसे लिखते इटैलिक्स में. ठीक है? सेकेंड, हर नेम में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या डिनोट कर रहा है, जेनेरिक नेम या जीनस नेम. सो वो जो जीनस है दैट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, राइट? अगर रोजा इंडिका है तो रोजा में आर शुड बी स्टार्टिंग विद कैपिटल आर, और इंडिका में आई शुड बी इन स्मॉल लेटर. ठीक है? सो फर्स्ट वर्ड डिनोट्स जीनस एंड द सेकेंड वर्ड डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट. अभी सेकंड पॉइंट में हमने जस्ट ये बताया है कि फर्स्ट वर्ड हमारा हमेशा जेनेरिक नेम होगा और सेकंड वर्ड हमेशा स्पीशीज का नाम होगा. थर्ड आते हैं व्हेन हैंड रिटन. अब ऑब्वियस चीजें, हम कभी भी अगर नेम लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि हम हमेशा प्रिंट करेंगे उसे, ऑब्वियसली हम लिखते हैं. तो जब हम लिख रहे हैं तो दैट शुड बी अंडरलाइंड, बोथ द कॉम्पोनेंट्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, नॉट अ सिंगल अंडरलाइन उसमें नहीं करनी है आपको, सिंगल अंडरलाइन नहीं, अलग अलग अंडरलाइन इन जीनस नेम अलग और स्पीशीज एपिथेट में अलग. ठीक है? और इफ प्रिंटेड दैट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स. फाइन. फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज फर्स्ट वर्ड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, द फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल द सेकंड स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर. सो दीज आर फोर कैरेक्टरिस्टिक या कह लो पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है व्हाइल राइटिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या एनी प्लांट, एनिमल, कुछ भी. ठीक है? एक और पॉइंट आता है जो कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट तो नहीं है, बट एक पॉइंट आता है विच इज कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिस्ट स्पेसिफाई करना हो या डिस्कवरर स्पेसिफाई करना हो तो उसके नाम के आगे हम उसके इनिशियल्स लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंजीफेरा इंडिका है, मैंगो का नाम है, तो अगर हम मैंजीफेरा इंडिका लिख रहे हैं तो एम शुड बी कैपिटल, राइट? मैंजीफेरा इंडिका. ठीक है? आई स्मॉल, एम कैपिटल, और आगे हम क्या लिख देंगे, लीनियस. तो हमने एल आई डबल एन लिख दिया. दैट मीन्स
genus name, species name, and discoverer या scientist. So these four were the जो कि करना ही ध्यान में रखने ही रखने हैं आपको ये points. ठीक है, अब nomenclature के बारे में तो पढ़ लिया. ये nomenclature कौन कर रहा है? कोई भी तो नहीं उठ के आएगा ना और बोलेगा कि यार मेरा मैं ये नाम देना चाहूँ. ऑब्वियसली नहीं ना. सो एक बॉडी होती है, एक स्टैंडर्ड जो कि इंटरनेशनली अक्लेम करेगी, इंटरनेशनली देखेगी कि हाँ इसका नाम ये है और उसे पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा, राइट? तो उस केस में यहाँ पे ना दो बॉडीज हैं, एक होती है ICBN और एक होती है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स. प्लांट्स की जितनी नेमिंग होगी वो ICBN करेगा और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर वो करेगा किसका? एनिमल्स का. सो ये कुछ इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो कि कंसर्न होंगी इनके नोमेनक्लेचर से. ठीक है, सो ये नोमेनक्लेचर हो गया हमारा. अब हमने बोला नोमेनक्लेचर तो चलो हमने कर दिया, ठीक है. अब फाइनली अगर मैं शुरू से देखूं तो मुझे अगर मान लो कोई नई स्पीशीज मिली, ठीक है, तो मैं उसके पहले सबसे पहले क्या देखूंगी? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लांट मिला मुझे, मैं सबसे पहले क्या देखूंगी? इट हैज ग्रीन लीव्स, है ना, इट हैज ब्राउन स्टेम, इट हैज थिक स्टेम और थिन स्टेम, है ना, इट हैज अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट. बहुत जनरल, बहुत बेसिक बता रही हूँ. सो दीज आर वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो ये आपने कुछ चार पांच चीजें उसमें आइडेंटिफाई की और आपने नोट डाउन की, राइट? तो वो फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? आपने उसको एक तरीके से कैरेक्टराइज किया. That process is characterization. कि आपने कुछ जो आपने देखे वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपने नोट डाउन किए. सो दैट इज कैरेक्टराइजेशन. जब तक आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक नोट नहीं करोगे आप उसे कैसे फर्दर क्लासिफाई करोगे या नेम करोगे, राइट? तो कभी भी अगर हम कोई भी नई स्पीशीज को लाते हैं या देखते हैं या डिस्कवर करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कैरेक्टराइजेशन का. फिर हम क्या करेंगे? उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या. फिर हम देखेंगे जो कैरेक्टराइजेशन हमने किया और जो कैरेक्टर्स नोट किए उस बेसिस पे कि ये क्या है, क्या हो सकता है. तो हम सेकेंड स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, तो अब मैंने मान लो आइडेंटिफाई कर लिया एक ब्रॉड वे में कि हाँ ये कोई प्लांट है, बिकॉज एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे नहीं देखे मैंने. सो दिस इज अ प्लांट. फर्दर क्या करना है? प्लांट्स का क्या मीनिंग है? वो तो बहुत सारे मिलियंस है, तो आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में उसे डालना है कि कौन सा प्लांट है. भाई प्लांट किंगडम में आपको पता है एल्गी भी होता है, ब्रायोफाइट भी होता है, टेरिडोफाइट भी होता है, जिम्नोस्पर्म्स भी होते हैं और एंजियोस्पर्म्स भी होते हैं. तो आपको जो थर्ड स्टेप करना होता है वो क्या होता है? क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? यू जस्ट पुट योर ऑर्गेनिज्म अंडर सम कैटेगरी बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने देखे, जो आपने नोट डाउन किए, उस बेसिस पे आपने देखा, मैच किया कि किस कैटेगरी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, तो फिर आपने उसको उस ग्रुप के अंदर डाल दिया. सो यू हैव क्लासिफाइड इट अंडर सर्टेन कैटेगरी, राइट? लास्ट में जब आपका ये क्लासिफिकेशन भी हो गया फिर आप करते हो नोमेनक्लेचर. ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस है. सबसे पहले आपको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, एंड देन आप नेमिंग पे आओगे. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस आप ऐसे करते हो. और इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम नाम दे देते हैं टैक्सोनॉमी. सो टैक्सोनॉमी इज कंसर्न्ड विद ऑल दीज फोर प्रोसेसेस, राइट? अब नाम टैक्सोनॉमी क्यों पड़ा? टैक्सोनॉमी में एक वर्ड आप देख रहे हो, टैक्सोन. व्हाट इज टैक्सोन? टैक्सोन जो हमने क्लासिफिकेशन में बोला बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन्हीं को हमने, या बेस्ड ऑन हमने उसको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ कैटेगरीज पे बांटा, बेस्ड डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स के अंडर में क्लासिफाई किया. तो वो जो कैटेगरीज में नाम ले रही हूँ ना, वो कैटेगरीज को इन्होंने टैक्सोन कह दिया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको तीन नाम दिए, एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स. ठीक है, सो डिफरेंट हमने बोला कि अगर एनिमल्स है, सो एनिमल्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंडर एक छोटी सी कैटेगरी है, किसकी? मैमल्स की. ऐसे मैमल्स एक बहुत अपने आप में बड़ा ग्रुप है, बस उसके अंदर एक छोटी सी कैटेगरी है विच इज कह सकते हैं फेलिडे, कैनिडे और डॉग्स एंड कैट्स. ठीक है, सो कहने का क्या मतलब है कि दे रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स, है ना. सो यहाँ पे भी हमने नाम क्या दिया? टैक्सोनॉमी इसीलिए नाम दिया बिकॉज
हम उस जो कैटेगरीज को बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन करने के टाइम पे, वो कैटेगरी को ही हमने टेक्सॉन नाम दे दिया. फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली है, सो फैमिली रिप्रेजेंट टेक्सॉन एट सिंगल लेवल. अगर किंगडम और फाइलम है, सो दे रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल. सो किंगडम इज टेक्सॉन, फैमिली इज ऑल्सो अ टेक्सॉन. अब आते हैं सिस्टमैटिक्स में. जब आप मॉडर्न टेक्सोनॉमी पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि ये सिर्फ चार प्रोसेसेस ही काफी नहीं थे. किस चीज के लिए? एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए, राइट? तो हमने क्या किया, उसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी ऐड किए. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ही काफी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर एनिमल है, जब तक आप उसकी इवोल्यूशन नहीं स्टडी करोगे, उसकी हिस्ट्री नहीं देखोगे, उसकी एंसेस्ट्री नहीं देखोगे, तब तक आप कभी रिलेट नहीं कर सकते कि एक्चुअली वो किससे रिलेट कर रहा है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या हम उसको किस ग्रुप में डालें, राइट? तो हमें बहुत जरूरी है कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी अकाउंट में लें. सो यहाँ पे इसको नाम दूसरा हम देते हैं फाइलोजेनेटिक्स, ठीक है? तो फाइलोजेनेटिक्स प्लस टेक्सोनॉमी ही सिस्टमैटिक्स है. सो सिस्टमैटिक्स आया कहां से? सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड सिस्टमा से आया, विच मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और यही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, राइट? सो सिस्टमैटिक्स constitutes taxonomy along with the phylogenetic relationships or evolutionary relationships of the organisms. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पढ़ा taxonomy क्या है, systematics क्या है. मैंने चार properties है उस taxonomy का relate करने के लिए, ठीक है? So हमने ये तो पढ़ लिया कि taxonomy में ये चार process होते हैं, और systematics में actually taxonomy plus evolutionary relationships है. But actually आप किसी भी चीज को classify कर रहे हो तो कुछ एक standard पैरामीटर्स होंगे जिस बेसिस पे आप उसे कैरेक्टराइज करोगे, या जिसमें हम टेक्सोनॉमी करेंगे. सो टेक्सोनॉमी के कुछ चार फीचर्स ये ब्रॉडली हमने लिखे हुए हैं. क्या क्या? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. कोई भी अगर मुझे एक नया स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म मिला, तो मैं उसको, मुझे क्लासिफाई करना है, फिर मुझे नेम करना है, तो मैं क्या देखूंगी सबसे पहले कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉकरोच है, सो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर ह्यूमन के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर से डिफर करेगा, तो हम दोनों को सेम ग्रुप में कभी नहीं डाल सकते, ठीक है? सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है, आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफर करेगा. प्लांट सेल में वैक्यूल ज्यादा होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे. प्लांट सेल में सेल वॉल का कंसेप्ट अलग है, एनिमल सेल में अलग है. मेम्ब्रेन का अलग है ना. परमिएबिलिटी डिफर करेगी. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आप पढ़ोगे कि सेल के कॉम्पोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंस होता है. थर्ड आ जाता है डेवलपमेंटल प्रोसेस. हमें उस ऑर्गेनिज्म की अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टडी करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि प्लांट के डेवलपमेंटल स्टेजेस डिफरेंट होगी ऑल टुगेदर फ्रॉम द ह्यूमन या फिर कोई भी एनिमल के डेवलपमेंटल स्टेजेस से. इवन इन ह्यूमन या एनिमल्स में भी आप स्टडी करोगे तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होंगे. सिंपल सी चीज है, आप फ्रॉग का स्टडी करते हो, उसमें टैडपोल लार्वा आपको एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, जो कि यूजुअली आप ह्यूमन के उसमें नहीं देखते हो अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में. तो कहने का बेसिकली मतलब क्या है, आप डेवलपमेंटल प्रोसेस भी स्टडी करोगे ताकि आप रिलेट कर सको कि क्या अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. अब फाइनली आपको क्या देखना है कि आपके पास उस ऑर्गेनिज्म की क्या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है? सो कहने का क्या मतलब है कि ये जो ऊपर के तीन थे ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है, लेने ही लेने हैं. इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि टेक्सोनॉमी अगर आपको पूछा जाता है कि किस बेसिस पे आपने टेक्सोनॉमी की, आपने किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया, सो बेस्ड ऑन दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडली. क्या? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल प्रोसेस, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर व्हाट यू हैव, मतलब आप जो आपने स्टडी किया, जो आपने पढ़ा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप टेक्सोनॉमी से रिलेट करोगे. सो हमने टेक्सोनॉमी पढ़ी, हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ा, और हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा. चार पॉइंट्स पढ़े और देखा क्या रिलस लीनियस ने दिया है, और ICBN and ICZM जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज है फॉर द नेमिंग ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म.